Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, संपूरक उप समष्टि का अस्तित्व. सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस या संपूरक उप समष्टि किसे कहते हैं. इसके लिए हम डिफाइन करेंगे डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस. तो अगर W1 एंड W2 वेक्टर स्पेस VF की दो सबस्पेसेस हैं तो वेक्टर स्पेस V कहलाएगी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. अगर आप कोई भी एलिमेंट V का लेते हैं, एनी गामा बिलोंगिंग टू V इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1 and beta belongs to W2. So these are unique elements where alpha is belonging to W1 and beta belongs to W2. तो अगर V का हर element gamma alpha plus beta के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सके, जहाँ alpha W1 का element है and beta W2 का element है, और ये W1 एंड W2 के अद्वितीय अवयव हैं, तो हम कहते हैं कि V आपकी सबस्पेसेस W1 एंड W2 का प्रत्यक्ष योग या डायरेक्ट सम है. डायरेक्ट सम को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. ये सिंबल डिनोट करता है कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. अगर V डायरेक्ट सम हो जाए W1 एंड W2 का, तो ये W1 एंड W2 ये कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस या संपूरक उपसमष्टियां. अब हम डायरेक्ट सम से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि अगर V आपकी वेक्टर स्पेस है, इट इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2. तो V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ V is equal to linear sum of W1 and W2 and साथ में W1 intersection W2 is equal to 0. अब theorem में क्योंकि if and only if है, that means आपको two way implication prove करना पड़ेगा. तो theorem के first part के लिए हम assume कर लेते हैं कि suppose V is direct sum of W1 and W2. अब by definition of direct sum, अगर V direct sum है W1 and W2 का, तो आप V का कोई भी एलिमेंट लें, इट विल बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ W1 एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ W2. तो अगर हम गामा लेते हैं V का कोई एलिमेंट, गामा को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे एज द सम अल्फा प्लस बीटा, वेयर दिस अल्फा इज यूनिक एलिमेंट ऑफ W1 एंड बीटा इज यूनिक एलिमेंट ऑफ W2. अब गामा जब एक्सप्रेस हो गया है सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ W2 इन अ यूनिक वे, तो हम कह सकते हैं गामा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, व्हिच इज़ द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2. तो देखिए, गामा हमने V का कोई भी एलिमेंट लिया था और शो कर दिया है कि इट बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, इसलिए हम कह सकते हैं V का हर एलिमेंट W1 प्लस W2 में है, देयरफॉर V इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2. इस रिलेशन को हम 1 से डिनोट करेंगे. अब वंस अगेन आप देखिए, लीनियर सम डिस्कस करते समय हम प्रूव कर चुके हैं कि लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस. इसलिए ये जो W1 प्लस W2 है, लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, ये V का सबस्पेस है, इसलिए इट विल बी अ सबसेट ऑफ बी. ये आ गया आपके पास रिलेशन नंबर टू. अब रिलेशन नंबर वन एंड टू को आप साथ में देखिए, यहाँ से आ रहा है वी इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, और यहाँ आ रहा है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज अ सबसेट ऑफ वी. तो दोनों रिलेशंस को आप कंबाइन कर दें, आपको मिलेगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि V इज़ द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2. अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो. ये प्रूव हम करेंगे थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन.
थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब इसको नॉन जीरो माना है, दैट मीन्स डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. तो उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं अल्फा. तो देयर एग्जिस्ट्स अल्फा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंगिंग टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू. अब देखिए अल्फा जो है इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अल्फा को आप लिख सकते हैं जीरो प्लस अल्फा, वेयर जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू. क्योंकि ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो अल्फा डब्ल्यू वन में भी है और डब्ल्यू टू में भी है. तो यहाँ पर हम इस अल्फा को ट्रीट कर रहे हैं एज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू टू. तो हमने लिखा जीरो प्लस अल्फा, वेयर जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू. अब अल्फा को हम अल्फा प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में था तो ये डब्ल्यू वन में भी है और जीरो हर सब स्पेस में होता है. तो अब की बार हम जीरो को डब्ल्यू टू का एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं. तो अब आप देखिए अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशंस हो गए एज द सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू टू. इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा एज द सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन एंड अदर एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू टू, दिस इज नॉट यूनिक, क्योंकि यहाँ आपको दो रिप्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं. अब अगर वी डायरेक्ट सम हो W1 एंड W2 का तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए था. तो ये नॉन यूनिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, और ये कॉन्ट्रडिक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 को नॉट इक्वल टू जीरो मानने से आ रहा है. इसका मतलब ये अजम्पशन गलत होना चाहिए एंड वी मस्ट हैव W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो. तो ये सेकंड कंडीशन आपके पास आ गई कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो. तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है कि अगर V डायरेक्ट सम है W1 एंड W2 का तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि V इज द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एंड साथ में W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो. अब हम थ्योरम का कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे. थ्योरम के कन्वर्स के लिए हम मान लेते हैं सपोज V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो. तो हमने मान लिया कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. इट मीन्स हमें शो करना पड़ेगा कि आप V का कोई भी एलिमेंट लें, इट इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड अदर एलिमेंट ऑफ W2. तो हम गामा ले लेते हैं V का कोई भी एलिमेंट. अब क्योंकि V लीनियर सम है W1 एंड W2 का, तो इस फैक्ट को आप यूज़ करें तो गामा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ W2. अभी ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है. इस रिप्रेजेंटेशन को यूनिक हम प्रूव करेंगे. अब रिप्रेजेंटेशन को यूनिक शो करने के लिए मान लीजिए कि ये रिप्रेजेंटेशन जो आपका था, इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन है गामा का एज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश. तो यहाँ पर गामा के दो रिप्रेजेंटेशंस हमने मान लिए हैं. यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है अल्फा एंड अल्फा डैश, ये W1 का एलिमेंट, और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है बीटा एंड बीटा डैश, ये एलिमेंट्स W2 के हैं. अब देखिए क्योंकि दोनों में ही इसमें और इसमें लेफ्ट हैंड साइड गामा के बराबर है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं. आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश. अल्फाज को साथ में एंड बीटाज को साथ में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा. अब आप देखिए अल्फा एंड अल्फा डैश दोनों W1 में है, इसलिए अल्फा माइनस अल्फा डैश W1 का एलिमेंट होगा. सो ये अल्फा माइनस अल्फा डैश, दिस बिलोंग्स टू W1. इसी तरीके से बीटा एंड बीटा डैश दोनों W2 में से आ रहे हैं, W2 सबस्पेस है, इसलिए इनका डिफरेंस भी W2 में होगा. तो ये जो बीटा माइनस बीटा डैश है, दिस बिलोंग्स टू W2. लेकिन ये दोनों तो बराबर थे,
इसमें से ये W1 में है, ये W2 में है, एंड दोनों इक्वल हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा डैश, दिस विल बिलोंग टू W1 एज वेल एज W2 क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन हमने मान रखा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 में तभी हो सकते हैं जबकि ये जीरो के बराबर हो। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश भी जीरो होना चाहिए विच विल गिव यू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश भी जीरो होना चाहिए विच विल गिव यू बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश। अब देखिए गामा के हमने दो रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर माने थे, अब इसमें से अगर अल्फा अल्फा डैश के बराबर हो जाए और बीटा बीटा डैश के बराबर हो जाए तो इन दो रिप्रेजेंटेशंस में कोई फर्क नहीं रहेगा, इट मींस ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस आइडेंटिकल हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा एज द सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड अनदर ऑफ W2 ये हो जाएगा यूनिक। और ये रिप्रेजेंटेशन जैसे ही यूनिक हुआ हम कह सकेंगे कि V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अब हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, संपूरक उपसमष्टि का अस्तित्व। तो थ्योरम आप देखिए, इसमें है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सबस्पेस W1 ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देयर एग्जिस्ट्स अ सबस्पेस W2 सच दैट V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। दैट मीन्स वेक्टर स्पेस की कोई भी सबस्पेस आप लें W1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सबस्पेस W2 हम हमेशा ऐसी निकाल सकते हैं कि V को W1 एंड W2 के डायरेक्ट सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। मतलब ऐसी सबस्पेस निकाल सकते हैं जो कि गिवन सबस्पेस W1 की कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस हो। अब इसे प्रूव करने के लिए V को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, इसका डायमेंशन n हम मानेंगे, इसकी सबस्पेस W1 इसका डायमेंशन हम m मान लेते हैं। तो W1 क्योंकि सबस्पेस है, सबस्पेस का डायमेंशन इट विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, m विल बी लेस देन और इक्वल टू n। अब W1 का डायमेंशन क्योंकि हमने m माना है तो W1 की जो भी बेसिस होगी उसमें एग्जैक्टली m वेक्टर्स होंगे, तो W1 की बेसिस को हम S1 मान रहे हैं जिसमें m वेक्टर्स अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक हैं। अब क्योंकि ये बेसिस है तो बेसिस की दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी और साथ में क्योंकि ये W1 की बेसिस है तो ये W1 को जनरेट करेगी। अब S1 क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। अगर आप एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। तो अब आप देखिए इसको एक्सटेंड करके हम बेसिस बना सकते हैं V की, तो जो एक्सटेंडेड सेट है उसको हम S मान रहे हैं। अब इसका एक्सटेंशन करने के लिए S1 के सारे एलिमेंट्स लिए हैं, V का डायमेंशन क्योंकि n है तो आप V की कोई भी बेसिस लें तो उसमें टोटल n एलिमेंट्स होने चाहिए, तो m एलिमेंट्स तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल थे, उसमें ये n माइनस m एलिमेंट्स डाल के हमने इसका एक्सटेंशन किया है सच दैट दिस एक्सटेंडेड सेट विल बी द बेसिस ऑफ V। तो इसमें टोटल m प्लस n माइनस m दैट इज टोटल ऑफ n एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं एंड दिस इज द एक्सटेंडेड सेट विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। अब जिन एलिमेंट्स को डाल के आपने एक्सटेंशन किया है उनको आप अलग कर लें, उनके सेट को हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो S2 इज दिस सेट बीटा 1 से लेके बीटा n माइनस m। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस का एग्जिस्टेंस प्रूव करना है तो हम प्रूव करेंगे कि S2 से जो सबस्पेस जनरेट हो रही है दैट इज़ द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस।
सो टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, हम प्रूव करेंगे कि सबस्पेस जनरेटेड बाय एस टू इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। अब एस टू हमारे पास बीटा वन से लेके बीटा एन माइनस एम तक का सेट था, हम मान लेते हैं डब्ल्यू टू इज द लीनियर स्पान ऑफ एस टू। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें तीन बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। ये सबसे पहले तो ये सबस्पेस होनी चाहिए, तो पहली बात कि डब्ल्यू टू शुड बी अ सबस्पेस ऑफ बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस के लिए ये दो बातें और प्रूव करनी पड़ेंगी, जैसा कि आपने फर्स्ट थ्योरम में देखा था कि अगर V है डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, तो V पहले लीनियर सम होना चाहिए W1 एंड W2 का, और साथ में W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो के बराबर होना चाहिए। तो जब आप ये तीन बातें प्रूव करेंगे तब हम कह सकेंगे कि W2 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि दिस W2 which is equal to LS2 is a subspace of V. तो W2 which is equal to LS2 आपने लिया है, clearly a non-empty subset of V है, क्योंकि इसमें S2 के तो सारे elements definitely होंगे। अब subspace प्रूव करने के लिए subspace का criteria आपको लगाना पड़ेगा, तो subspace के criteria को check करने के लिए alpha and beta हम दो vectors ले लेते हैं W2 में, और ये दो स्केलर्स ए एंड बी हमने ले लिए बिलोंगिंग टू द फील्ड एफ। अब देखिए अल्फा एंड बीटा डब्ल्यू टू में लिए हैं और डब्ल्यू टू है लीनियर स्पान ऑफ एस टू, इसलिए अल्फा एंड बीटा दोनों ही एस टू के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टू, एस टू के एलिमेंट्स ये बीटा वन से लेके बीटा एन माइनस एम थे, तो ये हमने अल्फा को लिखा एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टू। और इसी तरीके से बीटा भी, क्योंकि डब्ल्यू टू में बिलोंग कर रहा है एंड डब्ल्यू टू इज़ एल एस टू, बीटा इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टू। अब आप ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालते हैं, तो दिस इज ए, अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, प्लस बी, एंड दिस इज बीटा। अब इसमें से आप बीटा आई कॉमन निकाल लीजिए, तो ए ए आई प्लस बी बी आई इंटू बीटा आई, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वंस अगेन ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टू। ए अल्फा प्लस बी बीटा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टू हो गया है, हम कह सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू एल एस टू, एंड एल एस टू को ही हमने डब्ल्यू टू मान रखा है। आप देखिए सबस्पेस का क्राइटेरिया W2 ने फुलफिल कर दिया है, A अल्फा एंड बीटा अगर W2 में है, A एंड B F में है, तो A अल्फा प्लस B बीटा वापस W2 में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया कि W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V। अब हम सेकंड पार्ट का प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि V इज द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। तो गामा हम ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट V का। अब V की बेसिस क्योंकि S है, V इज जनरेटेड बाय S, दैट मींस V इज इक्वल टू LS। V का आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। अब S जो सेट है इसमें अल्फा वन से लेके अल्फा एम एंड बीटा वन से लेके बीटा एन माइनस एम तक के एलिमेंट्स हैं, तो गामा इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो गामा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फास एज वेल एज बीटास। अब इसमें से जो पहला पार्ट है अल्फास का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो अल्फास सारे एस वन सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो हमने लिया है सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस वन, सो दिस बिलोंग्स टू एल एस वन। और एस वन क्योंकि डब्ल्यू वन की बेसिस थी, तो एल एस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन, सो दिस विल बिलोंग टू डब्ल्यू वन। अब ये जो सेकेंड पार्ट है दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास। बीटास जो हैं सेट एस टू के एलिमेंट्स हैं,
तो ये क्योंकि एस टू के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस विल बिलोंग टू एल एस टू एंड एल एस टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू है। इसलिए ये जो गामा है इसका फर्स्ट पार्ट डब्ल्यू वन में एंड सेकेंड पार्ट डब्ल्यू टू में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। अब गामा हमने लिया था वी का कोई भी एलिमेंट, ये हमने शो कर दिया है कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में बिलोंग करता है, तो वी का हर एलिमेंट क्योंकि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में बिलोंग कर रहा है, हम कह सकते हैं कि वी इज़ अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। ये इस रिलेशन को हम वन से डिनोट करेंगे। अब डब्ल्यू वन हमें सबस्पेस दी हुई थी फर्स्ट पार्ट में, डब्ल्यू टू को हमने सबस्पेस प्रूव कर दिया है, तो ये दोनों ही सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस वी की। एंड लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस, इसलिए डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू विच इज़ द लीनियर सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, इट विल बी अ सबस्पेस ऑफ वी। और सबस्पेस होने की वजह से दिस विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ वी। इसको हम टू से डिनोट करेंगे। अब वन एंड टू को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। That means V is the linear sum of W1 and W2. So this proves the second part. अब हम third part के proof के लिए proceed करेंगे। अब third part में हम prove करेंगे कि W1 intersection W2 is equal to zero. तो W1 intersection W2 का कोई element हम ले लेते हैं gamma. अब ये intersection में है, that means gamma W1 में भी होगा और साथ में W2 में भी होगा। W1 is equal to LS1 है, इसलिए गामा को हम लिख सकते हैं as linear combination of elements of S1। गामा W2 में भी है और W2 is equal to LS2 है, इसलिए गामा को हम linear combination of elements of S2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए गामा को आप दो फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में गामा है, राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करने पे आपको ये रिलेशन मिलेगा, इसमें से ये बीटा आई इसको कंटेन करने वाली टर्म्स को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेने पे राइट हैंड साइड आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब इस रिलेशन को आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटास, अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा एम और बीटा वन से लेके बीटा एन माइनस एम तक के एलिमेंट्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आपके पास आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो। एस बेसिस होने की वजह से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो तभी आ सकता है जब इनके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर ज़ीरो। दैट मींस ईच ऑफ ए आईज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड ईच ऑफ बी आईज शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए वन से लेके ए एम तक सारे स्केलर ज़ीरो होने चाहिए और बी वन से लेके बी एन माइनस एम तक के सारे स्केलर्स भी ज़ीरो होने चाहिए क्योंकि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब सारे एज या सारे बीज अगर ज़ीरो हों तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, ईच ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, गामा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब गामा हमने लिया था डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का कोई भी एलिमेंट और इसकी वैल्यू प्रूव कर दी है कि दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो ज़ीरो के बराबर है, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए जैसे ही हमने W1 इंटरसेक्शन W2 को ज़ीरो प्रूव किया तो सेकंड पार्ट में हम प्रूव कर चुके थे कि V इज़ द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। अब W1 इंटरसेक्शन W2 भी ज़ीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि V is the direct sum of W1 and W2 using the first theorem जो हमने देखी थी। अब V जब direct sum हो गया W1 and W2 का
तो डब्ल्यू टू हो गई कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू वन. तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस प्रूव कर दी है कि आपको कोई भी सब स्पेस अगर डब्ल्यू वन दे रखी है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस डब्ल्यू टू आप हमेशा निकाल सकते हैं. एंड दिस कम्प्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. दिस कम्प्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.